महादेव दोस्तों, नमस्कार प्रणाम, कैसे आप सब आशा करती हूं स्वस्थ होंगे। मैं हूं काजल और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग वीडियो पर बने रहिए, आशाएं बने रहेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, उसके लिए आप सभी को हाथ जोड़ के बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दोस्तों अभी सुबह का 10 बज रहा है और हम सुबह नहा लिए थे, यहाँ से नहा के 12-1 बजे ये सारा धो के नहाएंगे और नहा के काम हम कर दिए थे, सारा कुछ बेड लगाए थे, फिर अभी हमें दोबारा से लगाना पड़ेगा क्योंकि सारे बच्चे आके खेल के खराब करते हैं। और खाना में बन रहा है आलू बैंगन गोभी का सब्जी और चावल। तो चलिए फटाक से बेड लगा लेते हैं और चाय वगैरह बने तो कप वगैरह है, बहुत सारा चाय पिया है तो सारा को धो लेते हैं। बहुत ज्यादा सुबह से काम में थे तो इसलिए आप सबको कुछ नहीं दिखा पाए, बट कोई नहीं, चलिए सारे बेड ठीक कर लेते, फिर मिलते हैं आप सभी। और ये देखिए मानसी बेटा का चॉकलेट जो कि रात में बर्थडे में से लाई थी, है ना, ये तो बेड और लगा के घर मस्त कर दी हूँ, मानसी बेटा को नहला के रेडी कर दी हूँ। पिघल गया, सूखने दो। चलिए हम खाना निकाल के मानसी बेटा को खिला देते हैं, देख सकते हैं सब्जी चावल बनाए। हाँ बेटा आप खा लेना अपने हाथ से, तो चलिए निकाल लेते हैं, आप लोग बताएगा मेरा सब्जी कैसा हुआ है। मम्मा इधर देखो, वाह वीडियो बना रही हो। हाँ। दोस्तों से पूछो मेरा, आएंगे खाने सब्जी चावल तो आइए खा लीजिए। हाँ खा लीजिए यार, खा लीजिए सब्जी चावल, यम्मी। देख सकते हैं मेरा खाना और मानसी बेटा को आलू धुला के देना पड़ेगा, तो चलिए खा लेते हैं हम और मानसी बेटा आप सबको खिला रही है तो खा लीजिए, है ना। मानसी बेटा का पेट में गया है ना, ठीक तो चलिए खा लेते हैं। बोल रहा था मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, पेट बोल रहा था। हाँ, खाना चाहिए, पेट को खाना चाहिए ना। हाँ तो मैं इसे पेट को खिला रही हूँ, ठीक है। और अभी बाहर में काम चल रहा है इसलिए मोटर चला कर रही हूँ, अभी पहुँच दूंगी मैं अपने चावल में आलू को। चलिए खाना खाओ के मिलते हैं आप सबसे। बेटा बोल रही है मुझे गोभी नहीं पसंद, उसमें थोड़ा तीखा है। तो दोस्तों अभी ना शाम का टाइम हो रहा है और घर का हालत बहुत खराब है क्योंकि इस पर मानसी पापा सोए थे और बाबा सोए थे बाहर में, क्योंकि अभी बारिश हुआ था बहुत तेज वाला, ये देखिए पानी पूरा बला पड़ गया और हम तो एकदम डर गए थे कि भगवान भगवान बंद हो जाए बंद हो जाए, कल भर बारिश ना हो, कल छत का ढलाई है तो बहुत दिक्कत हो जाए। मैं भी बगासी कर गई। आप भी निकल गए घर से? हाँ। ठीक है, बहुत पानी है मम्मा। हाँ। तो बहुत दिक्कत हो रहा है, बारिश आ गया पूरा, देखिए अगर बच भी जाएगा तो वापस अब नहीं लेंगे क्योंकि जंग खा लेगा था। पाओ गिर जाए गुए जी, फिर इधर एकदम खचाड़ हो गया रोड, हम क्या करें, सूख जाएगा अभी रोड। ठीक है सूख जाएगा, आशीर्वाद आएगा तो नहीं गिरेगा आशीर्वाद। ठीक है, आइसक्रीम, इनको आइसक्रीम का डर है कि इनके आइसक्रीम वाला आएंगे तो नहीं गिरेंगे, है ना। और ये पेड़ कटवा रहे थे लेकिन कामे आ गया, देखिए कैसे सूख गया उतने दूर का पत्ता, वो इसलिए हम सोच रहे कटवा देते। और ये देखिए कितना सब तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया ये, अब और अब बच जाएगा छरिया तो वापस ही नहीं लेगा, दो बंडल है। और चलिए ऊपर दिखाते हैं कितना सब, और बारिश होने के बाद जो व्यू होता है बहुत मस्त होता है, बट व्यू को थोड़ा सा खराब करते हैं सड़क, बन जाता दया से तो भला हो जाता गाड़ी चलाने वाले को, तो देखेंगे पूरा तो ये बर्बाद हो गया, थोड़ा सा बारिश नहीं कर दिया, अभी बचेगा तो वापस भी नहीं लेगा कोई क्योंकि जंग ले पकड़ लेगा सारा, और वो रिंग भी रखा था क्योंकि सब हो आया है थोड़ा सा और नहीं भैया, सब लोग नीचे छिप गए थे घर में। चलिए छत पर चल के आपको दिखाते हैं। आपने
डागली डागली आप क्या आओ आपको डागली 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 क्या आओ ये जागली कौन है ये जागली कौन है बेटा किसको आप बुला रहे थे जागली जागली क्या आप हो दोस्तों आज तक हम जागली का नाम नहीं सुने बस ये देखे कि इस प्रकार से रख के कोई हॉरर मूवी में ऐसे मतलब भूत को बुलाते हैं हमको इतना समझ में आ गया। उसी टाइम से बेड पर बैठ के ही कर रही थी उसी टाइम से जागली जागली आप कहाँ हो जागली जागली यहाँ आ जाओ फिर पूछ रहे जागली जागली क्या आप यहाँ हो जागली जागली क्या आप यहाँ हो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे ऐसे अजीब सारे बातें पूछ रहे थे ऐसा लग रहा था किसी से बात कर रही देखे आप लोग आज तक हम कसम से बता रहे हम भी ऐसा नहीं किया अपने उसी टाइम से घर में से बाहर आई तब से ऐसे कर रही थी बेड पर भी बैठ कर कर रही थी कैसे कर रही थी बेटा दिखाओ जागले जागले क्या आप जाओ ये जागले कौन है पता नहीं घंटा है घंटा है हाँ। तो उसे कौन आता है पता नहीं तो बच्चों आते बच्चे आते है हाँ, जागली नहीं आ रहा है ना वो मैं उसे मार दी जागली को क्यों लेकिन उसकी माँ मर गई कौन बोला आपसे पता नहीं देख रहे हैं दोस्तों इसे बहकी बहकी बातें कर रही है अभी से ही नहीं बदमाश हो गई है मानसी गलत बातें सब नहीं बोलना चाहिए ठीक है जागली नहीं होती है वो प्रैंक होता है ना नहीं बोलेगी अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है जागली नहीं होती आपने प्रैंक किया ना हाँ। अब मत बोलना ऐसे ठीक ऐसे डंटा मत रखना आप ठीक है गलत बात होता है ऐसे लग रहा है कुहरा मतलब कि कुहरा गिरा कोहरा का कोहरा गिरा है ऐसे लग रहा है बस इतना ही बरस के अब भगवान जी नाम जितना मर्जी उतना बरस पैरों का निशान क्योंकि परसों हम लोग सब कल ही ढलाई होगा कल ही रात तक सारा सेट कर देंगे मतलब जो भी जिया मिलने वाला सामान दोस्तों देख कितना सुंदर शाम हो रहा है हमारे यहाँ 7 बज रहा है और अभी मानसिक पापा आ गए तो चलिए दिखाते तो चलिए दोस्तों घर में एकदम अंधेरा अंधेरा है क्योंकि शाम हो गया आज लाइट जला के काम होगा क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं है और कल ढला जाएगा देख सकते हैं कैसा बदबू आ रहा है खुशबू आ रहा है घर में सामान का फोन रखे कोई चलिए ऊपर चलते हैं मानसी पापा ऊपर में लाइट लगा रहे हैं और इधर बालू वालू गिरा है देख सकते हैं प्यास बहुत ज्यादा लग रहा है ना खाली आगे वाला बच्चा है कितना कितना चाय बना है इस बार जी एक दिन में बांध रहे हैं दोस्तों ये सब बहुत मेहनत किए हैं सब लोग देख सकते हैं और वो वॉशरूम और किचन लो रहे खूब डांटते हैं दोस्तों आज फर्स्ट टाइम हमारे घर पर लाइट जरेगा नए वाले घर में लाइट लग रहा है ना और बारिश आया है सब हरियाली हरियाली नमी हो गया थोड़ा धान में जान आ गया है और ये देख सकते हैं थोड़ा गीला गीला नमी हो गया है पानी पानी लग गया उधर जलो जलो लाइट जल गया भुकभुका रहा दोस्तों देख सकते अभी हम अनुज से पकौड़ी मंगाए थे और लेबर लोग को भी मतलब जो काम कर रहे हैं उन लोग को भी खिलाने के लिए और हम भी मंगा लिए और आज रेसिपी बनाएंगे कुछ तो जरूर देखिएगा अभी शाम का टाइम हो रहा है और फिर मैंने थोड़ा तेल लगा लिए थे
मानसी बेटा सो ही अभी जगाएंगे, शाम में नहीं सोने देंगे, तो खिलाओ ला के पानी पिला देंगे अनुज बाबू। मानसी पापा ने कंडीटिंग होगा ना, तो वही सब पाइप लाने गए हैं, तो इसलिए शाम का टाइम हो रहा है तो यहाँ पर रख के जाए कि कुछ काम हम पड़ेगा तो करेंगे, और रात में होगा वो सब लाइट का कंडीटिंग। और आप सबको ये हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग कैसा रहा कमेंट भी जरूर बताइएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।